हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारे चैलेंज का सिक्स्थ डे। रनिंग करते हुए हम गए जिम। जिम में सबसे पहले हमने लगाई फ्लैट बेंचेस। कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि एक तो संडे था, जिम हमारा क्लोज था, और दूसरा दो फंक्शंस थे जो मुझे अटेंड करने थे। सॉरी फॉर दैट, बट मैंने सोचा था कि 10-20 किलोमीटर का रनिंग का राउंड लगाएंगे। अच्छा, फ्लैट बेंच के बाद हम लगा रहे हैं इंक्लाइन बेंच पे बेंच प्रेसेस, और बेंच प्रेस लगाने के बाद हमने लगाई फ्लाइज इस मशीन पे। और यार, जिम वाले बंदे को देख लो, हैं जिम ना खुले उस दिन दिन अधूरा सा लगता है। वो तो कल बाबा बालकनाथ जी का फंक्शन था, उसमें बिजी रहे, नहीं तो मन नहीं लगना था यार सारा दिन। और इस एक्सरसाइज के बाद हम लगा रहे हैं, ये क्या है, अच्छा डीक्लाइन बेंचेस। डीक्लाइन बेंच यार, इस बार हमने बेंचेस एक साथ इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आपको पता है यार, मसल्स ना चेस्ट में दो टाइप के मसल होते हैं, एक स्ट्रेट और एक वाइड में। और जो बेंचेस की एक्सरसाइज है जिसमें हम वेट को पुश कर रहे हैं ना, वो हमारे स्ट्रेट मसल को पंप करती है, और जो फ्लाइज की एक्सरसाइज होती है वो हमारे वाइड मसल को पंप करती है। और फिर डिप्स लगा के हम एक्सरसाइज ख़त्म ही करने वाले थे कि एकदम से ट्रेनर ने कह दिया कि यार चलो एक्सरसाइज ख़त्म करने से पहले पुशअप लगाओ, और वो भी 100। और भाई बस फिर पूछो मत, बुरी हालत होगी। 25-25 करके किसी तरह से लगाए सेट, और इसी के साथ हमारा वर्कआउट पूरा हुआ। मिलते हैं फिर। ओ गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साफ है, ओ तेरे शहर महल का बजे राव साफ का, चोरी बेई साफ का, कदी आर पार का।